हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही यूनिक रेसिपी देखेंगे जिसमें मेनली हम वाटरमेलन का छिलका, पत्ता गोभी और ज्वार के आटे का इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और फटाफट से बन जाती है और टेस्ट में भी ये वाकई बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल प्रोसेस है। मैंने थोड़ा सा साबुत धना, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और अजवाइन 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप ऐसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के रश आवर्स में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपको इतना समय नहीं है, तो आप इसके बजाय धना पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर और अजवाइन डाल दीजिए। अब ये सब स्पाइसेस को मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा हो जाने के बाद उसका दरदरा सा मिक्सर में पाउडर बना लिया है। और अब मेरे पास ये कुछ वाटरमेलन के छिलके हैं। ये वाटरमेलन के छिलके हम जनरली फेंक देते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके फायदे तो आप कहीं से भी गूगल आउट कर सकते हैं, लेकिन इतना न्यूट्रिएंट रिच होने के बावजूद हम इन छिलकों को अक्सर फेंक देते हैं। इसे फेंकने के बजाय इसके बहुत ही डिलीशियस अगर रेसिपी बन सकती है तो क्यों ना हम इसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। खीरे के जैसा ही टेस्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि इसे खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए ये रेसिपी में है ये आप नोटिस तक नहीं करेंगे और आप बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज इससे बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करके आज ये बनाने जा रही हूँ। इसका जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने पील कर लिया है। वन बाय वन आप देखेंगे पूरे वाटरमेलन के छिलके मैंने पील करके रख लिए हैं। और अब ये छिलकों को कद्दूकस कर लेना है। मेरे पास बॉक्स ग्रेटर है, उसके जो मीडियम साइज के होल्स है उससे मैं इसे ग्रेट कर लूंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कितना वाटर कंटेंट है इसमें, ये भी रेसिपी में यूज हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल दी है और थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गया या कैप्सिकम। अदरक और मिर्ची का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, हरी मिर्च डाली है तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी, जो ड्राई रोस्टेड मसाला हमने बना लिया था वो अब मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक, तिल, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और 4 से 5 चम्मच दही आप उसमें डाल लीजिए। मेरे पास एक्चुअली दही थोड़ा कम बच गया था इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, या अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू भी इसमें निचोड़ सकते हैं। 4 से 5 चम्मच चावल का आटा, इससे अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। और 4-5 चम्मच बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। और अब जोवर का आटा मैं इसमें डाल दूंगी। आप इसमें बाजरे का आटा या मक्के का आटा भी डाल सकते हैं इसको और हेल्दियर बनाने के लिए। लेकिन आज मैं जो मेथड शेयर कर रही हूँ इससे ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, जिस वजह से बच्चे भी इसे खा पाएंगे। और अब मैंने उसमें फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दिया है। और अब मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे पहले भी मैंने वाटरमेलन के छिलके से बनी हुई रेसिपी शेयर की है और एक दो दिन में मैं वाटरमेलन के कोफ्ते की भी रेसिपी शेयर करूँगी। कोफ्ते बनाते वक्त वाटरमेलन के छिलके का पानी मेरा बच गया था, वो मैं इस रेसिपी में डाल रही हूँ। आप चाहे तो सादे पानी से भी इसे भिगा सकते हैं। पालक या मेथी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसे आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया और जब काफी गर्म हो जाए, उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलने लगे, तब आप बैटर को अच्छे से पैन पे स्प्रेड कर लीजिए। अगर आप ठंडे पैन पे स्प्रेड करते हैं ना तो चिपक जाता है, इसलिए हमेशा पैन गर्म होने के बाद ही आप बैटर स्प्रेड कीजिए। और अब ढक के उसे अच्छे से पका लेना है। अब दूसरी साइड से भी मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और पलट के और ढक के हमें दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन उसको अच्छे से पका लेना है। इसके पहले भी मैंने वाटरमेलन के छिलके की और मिलेट्स की कई और रेसिपीज शेयर किए हैं। कुछ हेल्दी रेसिपीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे कई और हेल्दी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मोस्टली हेल्दी रेसिपीज ही शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट विथ मी। हैव अ ग्रेट डे। बाय।